बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आपको खुश आमदीद। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश बन रही है, साथ साथ रहिएगा एंड तक देखिएगा ताकि जल्दी से मेरा वॉच टाइम पूरा होए। लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना है। आधा कप के करीब, आधा कप से थोड़ा है घी रखा है गर्म होने के लिए। घी गर्म हो गया है। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज काट के मैंने इसमें डाल दी है। प्याज को करेंगे ब्राउन, साथ साथ इंग्रेडिएंट्स और चीज़ें बताती रहूँगी। सरप्राइज़ वीडियो है आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त डिश बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। तो करते हैं प्याज को ब्राउन। प्याज हो चुकी है जी सुनहरी, ये देखें। अब यहाँ पर हम एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी एक डेढ़ मिनट फ्राई करेंगे। तो लहसुन भी हमारा हो गया है फ्राई। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। दड़ा मिर्च है जी एक चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, मिर्चें आधी चाय के चम्मच आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, हल्दी आधी चाय के चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी कलौंजी मैंने ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दी चीज़ें, फ्राई करते जाएंगे। और अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी, आप चाहें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं पर मैं दही डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें तकरीबन 100 ग्राम दही डालूँगी मैं। आप टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें 100 ग्राम दही डाल दी। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन गया है। देखें कि घी जो है इसका छूट गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास है मेथी, एक गड्डी मेथी है, धोकर मैंने अच्छी तरह इसको काट लिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेथी डाल देंगे इसमें। आप देखते रहिए कि ये क्या बन रहा है। कोई आलू मेथी नहीं बन रही, आप देखेंगे कि मैं किस तरह मेथी बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो तमाम मेथी जो है वो इसमें डाल देते हैं, साथ साथ मिक्स कर देंगे मसाले को। और पानी नहीं डालना इसमें हमने, और ढक देना है हमने इसमें इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। ऐसा है ठीक है। और अब हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं तो हम उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बीच में जो है वो मैंने एक आध दफ़ा चम्मच भी चला दिया था ताकि जले ना, और मेथी जो है ना हमारी 95% गल चुकी है तकरीबन। ये देखें बहुत अच्छी लग रही है मसाले में। और अब जो है मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी आप देखेंगे। ये देखें जी ये है चने की दाल, एक कप चने की दाल थी एक गड्डी में मैंने ली। आप चने की दाल और मेथी की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं, दाल बढ़ा सकते हैं और मेथी कम कर सकते हैं, या मेथी बढ़ा सकते हैं दाल कम कर सकते हैं, या फिर दोनों चीज़ें इक्वल ले सकते हैं। अच्छा जी दाल को जो है ना वो मैंने थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के ये देखें मैंने बॉयल कर दिया है। और दाल जो है ना कुछ खड़ी, मतलब बिल्कुल दाल जो है वो गली, बिल्कुल गली हुई है लेकिन मुलायम है इस तरह, ये देखें ठीक है, लेकिन खड़ी खड़ी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें ये हमने दाल को इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर देंगे ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ मसाले मैं शामिल करूँगी, साथ साथ रहिएगा मेरे। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि फ्लेम मैंने बहुत लो किया हुआ था। अच्छा जी यहाँ मसालों में मेरे पास जो है ये धनिया है भून के पिसा हुआ, धनिया है आधी चाय की चम्मच, और ये ज़ीरा है भून के पिसा हुआ ज़ीरा आधी चाय की चम्मच, और गरम मसाला मिक्स पाउडर आधी चाय की चम्मच। ये देखें यहाँ पर ये मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं और इसको अच्छा सा हम कर देंगे मिक्स ठीक है जी। घी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ इसलिए, लेकिन अभी थोड़ी देर में इसका घी जो है वो बाहर आ जाएगा जब इसको मैं दम लगाऊंगी तो। और देखें इसको मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से, बहुत मज़े की ये डिश बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैं अब दम पर लगा देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल मेथी जो है ना वो तैयार हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं डिश आउट कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रही है, इसकी कितनी ज़बरदस्त अगर इसकी लुक है तो टेस्ट कितना मज़े का होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो एंड तक वीडियो को प्लीज़ देखा करें, साथ साथ रहा करें, और अगली वीडियो तक के लिए भी इजाज़त दीजिए, लेकिन लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। जो नए आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है जी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।